दूरदर्शन का किसान चैनल अब से कुछ ही देर में इसका शुभारंभ होगा। देश ही क्या, दुनिया में ऐसा कोई चैनल नहीं है जैसा होगा डीडी किसान चैनल। आपकी गरिमामयी उपस्थिति से मन हर्षित भी है और गर्वित भी। हम हृदय से स्वागत करते हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। हम हृदय से स्वागत करते हैं माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह, माननीय केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर, रिस्पेक्टेड कैबिनेट सेक्रेटरी श्री अजीत सेठ और प्रसार भारती के चेयरमैन रिस्पेक्टेड डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश का। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। एक वर्ष विकास का, नए आत्मविश्वास का। 26 मई 2015 आज भारत के गर्व का पर्व है, भारत के नए सूर्योदय की पहली वर्षगांठ है। एक साल पहले भारत का विकास रथ चल पड़ा था बिना रुके, बिना थमे और बिना थके। बदलाव के इस मौसम में एक क्रांतिकारी सोच ने भी जन्म लिया, एक ऐसा चैनल जो सिर्फ और सिर्फ धरती पुत्र कर्मयोगी किसानों को समर्पित हो। इसी सपने को साकार करने के लिए आज माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ उपस्थित हैं, जिनके कर कमलों द्वारा दूरदर्शन का किसान चैनल आज राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। धन धान्य से संपन्न किसान हो, खेती किसानी से जुड़ा हर इंसान हो, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी लक्ष्मी और सरस्वती के साथ की हमेशा कामना की है। सरस्वती वंदना प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी के कलाकार। We are the ones.
माँ सरस्वती को नमन। आज देश के कोने कोने से आए किसान, कारीगर, दस्तकार, बुनकर, भूमिहीन किसान, मजदूर, किसानी से जुड़े विषयों पर काम करने वाले व्यक्ति, कोने कोने से पधारे वैज्ञानिक, सभी जो आज इस अद्भुत संगम के साक्षी हैं, सभी को हम प्रणाम करते हैं। राष्ट्रीय स्वाभिमान जागृत करने वाले, देश को नई पहचान देने वाले, जन से मन की बात करने वाले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और मंच पर विराजमान अतिथिगण का हम किसान चैनल की कोर टीम की ओर से स्वागत करना चाहते हैं। मैं अनुरोध करूंगी एयर कॉमोडोर रंजन मुखर्जी, विशिष्ट सेवा मेडल, जो किसान चैनल के एडिशनल डीजी और हेड हैं, और श्री नरेश सिरोही, जो किसान चैनल के ऑनररी एडवाइज़र हैं, आप दोनों से कि कृपया माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें पगड़ी, सांकेतिक हल और सैपलिंग से। किसान गौरव का प्रतीक पगड़ी। और धरती की गोद में सबका पोषण करने वाले अन्न को बोने में महत्वपूर्ण हल। जीवन और जीवंतता का प्रतीक पौधा। ये इंडोर पौधा डिफेनबेकिया है, इसमें ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में होती है और दीर्घायु होता है। ये माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह को सैपलिंग भेंट करने के लिए मेरा आग्रह है चैनल के क्रिएटिव हेड श्री किशोर मालवीय से। चैनल के डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रोग्राम श्री शिवाजी फूल सुंदर से अनुरोध है कि कृपया माननीय केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर को सैपलिंग भेंट करें। रिस्पेक्टेड कैबिनेट सेक्रेटरी श्री अजीत सेठ को सैपलिंग भेंट करेंगे एयर कोमोडोर रंजन मुखर्जी, VSM, एडिशनल DG, चैनल हेड। अब मैं किसान चैनल के एडवाइजर श्री नरेश सिरोही से निवेदन करूंगी कि कृपया रिस्पेक्टेड चेयरमैन प्रसार भारती डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश को सैपलिंग भेंट करें। यूं तो किसान चैनल की पहल को मूर्त रूप देने में प्रसार भारती के अध्यक्ष डॉक्टर सूर्य प्रकाश, CEO श्री जवाहर सरकार और अन्य अतिथि अधिकारीगण तथा पूरी किसान चैनल टीम के समर्पण और लगन तथा भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की महत्वपूर्ण भूमिका रही। माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अरुण जेटली और माननीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर एवं सचिव श्री विमल जुल्का का सतत मार्गदर्शन हमारा उत्साह लगातार बढ़ाता रहा। अब हम माननीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर से अनुरोध करते हैं कि कृपया आज के इस गौरवशाली दिन सभी के स्वागत में अपने भावों को शब्दों में व्यक्त करें। भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय कृषि मंत्री श्री राधा मोहन जी, मंत्रिमंडल सचिव श्री अजीत सेठ जी, चेयरमैन प्रसार भारती श्री सूर्य प्रकाश जी, सामने विराजमान कृषि विद्यालयों से विशेषज्ञ वैज्ञानिक जो यहाँ आज उपस्थित हैं, और देश के कोने कोने से यहाँ रंग बिरंगे वेशभूषाओं में पधारे हुए मेरे किसान भाइयों, मैं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की तरफ से और मेरे वरिष्ठ मंत्री श्री अरुण जेटली जी की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। आप सबकी उपस्थिति से आज का दिन शुभ हो गया है, और शुभ इसलिए भी क्योंकि प्रोग्राम किसान का और भवन विज्ञान का।
आज सरकार की पहली सालगिरह भी है और हमारे बीच हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी भी उपस्थित हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का व्यक्तित्व खास है, ये कथनी में नहीं करनी में विश्वास रखते हैं। अगर त्योहार मनाते हैं जवानों के साथ तो सुख दुख बांटते हैं किसानों के साथ। आज सरकार के नए साल का पहला प्रोग्राम भी किसानों को ही समर्पित है। किसानों को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी का इरादा और उद्देश्य हमेशा से स्पष्ट रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य आदेश था हमारे लिए कि अगर किसान वैज्ञानिकों तक नहीं जा सकते तो विज्ञान को किसानों के आंगन तक लेके जाइए। किसानों की मेहनत और वैज्ञानिक के दिमाग की एक ऐसी टीम तैयार करिए जो हमेशा जीतती रहे। किसान सिर्फ भगवान की कृपा दृष्टि पर नहीं बल्कि अपने दिमाग की शक्ति के भरोसे पर आगे बढ़े। यही कारण है कि आज दुनिया की सबसे पहली 24 घंटे की किसान चैनल का शुभारंभ खुद प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। इस चैनल को शक्ल प्रदान दी है कृषि मंत्रालय, कृषि विश्वविद्यालय, कृषि वैज्ञानिक और विशेषज्ञों का अहम योगदान से। यह चैनल देश के किसानों, पशुपालकों, दस्तकारों, कारीगरों, ग्रामीणों को समर्पित है। प्रसार भारती की टीम दिन रात करके इस चैनल को आपके पास 24 घंटे और हर भाषा में लेकर आएगी। किसान चैनल हमारे किसान भाइयों के पास खेतीबाड़ी के नए तौर तरीके, नई खोजों से भी अवगत कराएगी। मौसम की जानकारी भी इस तरह से दी जाएगी जिस तरह किसान भाइयों को जरूरत होती है। यह चैनल पशुपालकों, मधुमक्खी पालकों व मुर्गी पालकों का तो मददगार होगा ही, साथ ही देश में हुनर भी बढ़ाएगा। यह किसान चैनल आपके मनोरंजन का भी ख्याल रखेगा। इस तरह से इस चैनल में चौमुखी विकास आप सबके लिए उपलब्ध होगा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे माननीय वरिष्ठ मंत्री श्री अरुण जेटली जी का कि उनके मार्गदर्शन से यह चैनल आज इस रूप से आपके सामने पेश हो रहा है। और अंत में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का पुनः अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने हमारे किसान भाइयों की समस्याओं का समाधान करके उनके दुख दर्द बांटने के लिए प्रसार भारती को एक अद्भुत मौका दिया एक नई किसान चैनल लॉन्च करने के लिए। और ये प्रेरणा खुद प्रधानमंत्री जी ने ही हमें दी और मार्गदर्शन भी दिया। भगवान से मेरी यही प्रार्थना रहेगी कि आप सब के लिए आपके परिवार खुश रहे, सब कुछ मंगल रहे और आप प्रगति करते रहें। ये सरकार आपके लिए प्रतिबद्ध है। जय हिंद। धन्यवाद माननीय कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर। अब हम माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह से सादर आग्रह करते हैं कि कृपया आज की इस ऐतिहासिक और भव्य शुरुआत के अवसर पर हमें अपनी शुभकामनाएं दें। सम्माननीय प्रधानमंत्री जी, सूचना प्रसारण राज्य मंत्री श्री राठौर जी, कैबिनेट सचिव डॉक्टर अजीत सेठ जी, प्रसार भारती के अध्यक्ष डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी, दूर दराज से आए हमारे किसान भाइयों बहनों, मंत्रालयों के सभी अधिकारी कर्मचारीगण, अन्य सहयोगी संगठनों के प्रतिनिधिगण, मीडिया के मित्रों और इस समारोह में उपस्थित सभी सम्मानित जन, आज का दिन निश्चित रूप से आज़ादी के 67 बरस के बाद देश के किसानों के लिए सबसे सुनहरा दिन है, ऐतिहासिक क्षण है। देश को जब आज़ादी मिली तो देश में औद्योगिक क्रांति की गति तेज हुई सरकार के द्वारा, लेकिन फिर भी 2/3 आबादी कृषि को नहीं छोड़ी। यानी हिंदुस्तान किसान का देश है और किसान जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक देश मजबूत नहीं होगा। ये इस बात
का धारणा इसमें स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य था कि किसान के लिए हमने चाहे जितनी योजनाएं बनाई, जितने अनुसंधान किए, वो उसके नज़दीक तक नहीं पहुंच सका। और शायद इसीलिए ये काम कि किसानों के नज़दीक जो देश के अंदर कुछ योजनाएं बन रही है, जो हम कुछ नए नए नित्य प्रयोग कर रहे हैं, वो किसान तक पहुंचे, ये काम शायद 67 वर्ष तक जिन लोगों ने इस देश को चलाया वो काम हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए छोड़ा था। और वो काम आज पूरा हुआ कि डीडी किसान चैलेंज आज लंच करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी। हम योजना बनाते हैं और राज्यों के माध्यम से या फिर अपने मंत्रालय के द्वारा, एसएमएस के द्वारा या फिर टेलीफोन के द्वारा हम कोशिश करते हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान करें। लेकिन इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी संख्या खेती में जुड़े हुए लोग, और हम क्या कर रहे हैं उसकी जानकारी किसान तक आज तक पहुंचाने का काम जो नहीं किया। और किसान की बेचैनी थी कि कोई ऐसी व्यवस्था देश में बने जिससे हमें पल पल की जानकारी मिले। और मैं समझता हूं कि किसान चैलेंज जो लंच प्रधानमंत्री जी आज कर रहे हैं, इसके लिए पूरा देश का किसान आभारी है। मैं देश भर के किसानों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं। हमारा देश प्राकृतिक और जो भौगोलिक विविधताओं से भरा हुआ है, लेकिन कृषि हमारा मूल आधार है। और हम सबको पता है कि आज़ादी जब हुई थी उस समय तो 34 करोड़ की आबादी थी, लेकिन 2020-30 आते आते ये 1.5 अरब की आबादी हो गई। और हमारे प्रधानमंत्री जी बराबर कहते हैं कि आबादी बढ़ेगी और जमीन बढ़ने वाला नहीं। और इसीलिए हमारे सामने जो चुनौती होगी, उस चुनौती का हम कैसे सामना करेंगे, तो इसमें विज्ञान की भूमिका, इसमें किसान के अंदर जागरूकता, और आने वाली चुनौतियों में सिर्फ अनाज ही नहीं तो मत्स्यकी का क्षेत्र हो या पशुपालन का क्षेत्र हो या बागवानी का क्षेत्र हो, इसमें जो नए नए अनुसंधान 100 संस्थान हमारे देश में इस पर रिसर्च कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा कि लैब के अंदर तो है लेकिन लैंड तक नहीं पहुंचा। और हम किसानों की ओर से आभार प्रकट करना चाहेंगे कि एक वर्ष के अंदर आपके नेतृत्व में बड़ी तेजी के साथ जो नए नए अनुसंधान हुए उच्च पैदावार के बीज के, उसको तेजी के साथ हम लोगों ने किसानों की ओर पहुंचाने का कोशिश किया है। लेकिन ये किसान टीवी चैनल इस गति, इस काम को और गति प्रदान करेगा। और इसीलिए इस किसान चैनल का एक बड़ा ही महत्व आज देश के किसानों के लिए है। किसानों के सामने जो संकट हैं, चुनौतियां हैं, उसमें जो नई तकनीक है और कृषि यंत्र हैं, उपकरण हैं, इस सब की जानकारी भी है सुदूर गांव में नहीं। अब 24 घंटे और 365 दिन उनको जानकारी मिलने का सबसे बड़ा सशक्त माध्यम आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पहल पर ये देश के किसानों को मिला है। और निश्चित रूप से आज देश का किसान प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता है। देश के किसानों और ग्रामीणों को जागरूक बनाने के लिए, उनकी समस्याओं को समझकर उनका समाधान करने के लिए 24 घंटा चलने वाला ये जो टेलीविजन है, एक बरस के अंदर उसको लॉन्चिंग करना, ये किसी एक करिश्मे से कम काम नहीं है। एक बहुत बड़ा करिश्मा है जो एक साल के अंदर पहली वर्षगांठ पर हमारी सरकार इसको लॉन्च कर रही है। पूर्ण रूप से किसानों को समर्पित जो ये चैनल है विविध क्षेत्रों में काम करेगा। और इसके अलावा प्रगतिशील किसान जो देश के हैं, उनके भी अनुभव इस चैनल के माध्यम से देश के किसानों तक जाएगा। किसान के लिए हमने किन किन नीतियों का निर्माण किया है, किन किन योजनाओं का निर्माण किया है, ये भी जानकारी किसानों तक देने का काम ये चैनल करेगा। मेरे मंत्रालय का जहाँ तक सवाल है, हमारे मंत्रालय के माध्यम से जितने विशेषज्ञ हैं, इस चैनल के साथ हमारे अनुसंधान केंद्र का भी एग्रीमेंट हुआ है। और मंत्रालय के अंदर हमने एक अलग से किसान चैनल सेल बनाया है, जिसके माध्यम से हम जितनी योजनाएं बना रहे हैं इस देश के अंदर, आपको आश्चर्य होगा कि आज़ादी के 67 वर्ष बाद तक हर खेत को पानी नहीं मिला। और ये देश हिंदुस्तान है, इटली नहीं है, ये हिंदुस्तान है। 125 करोड़ की आबादी है, जब तक हर हाथ को काम, खेत, हर खेत को पानी नहीं मिलेगा, हर हाथ को काम
नहीं मिलेगा। अब प्रधानमंत्री जी ने एक योजना बनाई है, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, हम राज्यों के माध्यम से उसे करेंगे, लेकिन जो किसान हैं उनको इस योजना की जानकारी कैसे होगी? तो उसका सबसे बड़ा माध्यम है, आज़ादी के 67 वर्ष बाद भी देश के किसानों को पता नहीं है कि उसकी मिट्टी बीमार भी पड़ सकती है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हिंदुस्तान की जो मिट्टी हो जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये हमारी भारत माता है, और जब तक बीमार रहेगी उसके जो संतान है सुख से नहीं रह सकते। और प्रधानमंत्री जी ने पहल शुरू की और तय किया कि 3 वर्ष के अंदर देश के हर जो जोतदार हैं, किसान हैं, 13.5 करोड़ किसान, सबके पॉकेट में सॉइल हेल्थ कार्ड रखेंगे। अभी जो हमारी योजना है राज्यों के माध्यम से चल रही, अभी बात ठीक है कि जो राज्य सरकार जितनी अच्छी है, सक्षम है, उतनी तेजी से कर रही है, और कुछ राज्यों की इसमें रुचि नहीं है, तो वहाँ के किसान उनको निश्चित सबक सिखाएंगे। लेकिन इस चैनल के माध्यम से हम इन योजनाओं की जानकारी निश्चित रूप से किसान भाइयों तक पहुँचाएंगे, और आप किसान भाई भी जो वहाँ जो व्यवस्था चल रही है, कृषि राज्यों का विषय, हम उनके माध्यम से अधिकतर योजनाओं को चलाते हैं, तो आप में जागरूकता आएगी, आप वहाँ अपने जागरूकता के माध्यम से वहाँ जो व्यवस्था की मशीनरी होगी उसके पास जाकर उस पर दबाव बनाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है हर खेत को पानी पहुंचाना और हर मिट्टी के स्वास्थ्य की जानकारी उसके जोतदार को, किसान को हो, ये दोनों योजनाओं को दोनों सपना है हमारे प्रधानमंत्री जी का, क्योंकि इस दोनों सपना के बिना पूरे हुए हिंदुस्तान का किसान और गांव खुशहाल नहीं हो सकता, और जब तक हिंदुस्तान का गांव किसान खुशहाल नहीं होगा तब तक देश खुशहाल नहीं होगा। और ये दोनों जो बातें हैं, या खेती में विज्ञान, ये तीन जो महत्वपूर्ण बातें हैं जिसका प्रधानमंत्री जी बराबर जिक्र करते हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि ऐसे ही जिक्र करते हैं, बल्कि एक राज्य में अवसर मिला तो 10 वर्षों के अंदर इस काम को पूरा किया है, और इसीलिए इस देश के अंदर लोगों में जागरूकता हो, लोगों को जानकारी हो। किसान चैनल का जो आज लॉन्चिंग हो रहा है, इसके लिए मैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों को और आदरणीय राठौड़ जी को भी बधाई देना चाहूँगा कि आपने एक बहुत बड़ा काम किया है, आपके मंत्रालय ने, उनके अधिकारियों को भी बधाई देता हूँ। और अंत में पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने व्यक्तिगत रुचि लेकर इस चैनल को 1 वर्ष के अंदर ही देश को समर्पित आज करने जा रहे हैं। चैनल की सफलता के लिए भी मेरी शुभकामना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद माननीय श्री राधा मोहन सिंह। गांवों का संपूर्ण सामर्थ्य जगाने के लिए, उस सामर्थ्य के उत्थान के लिए देश दुनिया को हमारा अद्भुत आयुर्वेद, भोजन विज्ञान, वृक्ष विज्ञान, कला संस्कृति दिखाने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपने हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, और माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्घोष सबका साथ सबका विकास को अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचाने के लिए किसान चैनल आज राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे किसान चैनल की एक शो रील। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुनय करते हैं कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर दूरदर्शन के किसान चैनल को लॉन्च करके इसे देशवासियों को समर्पित करें। चेयरमैन प्रसार भारती डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश से आग्रह है कि वे माननीय प्रधानमंत्री जी को रिमोट प्रदान करें। छोड़ो जी छोड़ो भैया पीड़ा थकान की, छेड़ो जी छेड़ो किससे बातें किसान रे भैया। भारत की आत्मा किसान, अन्नदाता किसान, केवल इन भारी भारी शब्दों से उन्हें अलंकृत कर जिम्मेदारी टाली नहीं जा सकती। इसके लिए चाहिए वैसी ही चिंता, वैसा ही सरोकार जो गांधी जी को चंपारण ले गया था, जिसने गांधी जी को अंतिम व्यक्ति के आंसू पोंछने के लिए परेशान किया, जिससे प्रेरित होकर दीन दयाल उपाध्याय ने अंत्योदय का मंत्र दिया और हर हाथ को काम, हर खेत को पानी का नारा। इन्हीं से सबक लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया सबका साथ सबका विकास का संकल्प,
इस संकल्प को पूरा करने की कोशिश में एक ठोस कदम है देश का पहला 24 घंटे चलने वाला दूरदर्शन का किसान चैनल डीडी किसान, बदलते भारत की शान। ये किसान चैनल जो खेती किसानी के नए नए तौर तरीकों को बताने में ही किसानों का हमसफर नहीं होगा बल्कि 24 घंटे करेगा चौकसी, देता रहेगा बदलते मौसम की ताजा जानकारी, आगाह करेगा आने वाले खतरों से, बताएगा लागत घटाने के तरीके, ज्यादा उपज लेने के लिए आप तक पहुंचाएगा नई तकनीक और जाने माने कृषि वैज्ञानिकों की सलाह। दूरदर्शन किसान चैनल की चिंता है कैसे बिके फसल ज्यादा दाम पर, कैसे हो फसल में वैल्यू एडिशन, कैसे निखरे गांव, गरीब, किसान, दस्तकार, शिल्पकार का हुनर। अन्न तक ही सीमित नहीं है हम, हमारी कोशिश है कश्मीर के केसर किसानों की जिंदगी महके, केरल के मसाला किसानों की जिंदगी का जायका और बढ़े, सौराष्ट्र की मूंगफली असम की चाय के साथ मिलकर करे खुशहाल हर किसी को। खेतन से आके सुनियो, खेतन से आके सुनियो, खेत खाली खान की छेड़ो जी छेड़ो, छेड़ो जी छेड़ो, किससे बातें किसान की, अपनी ही धुन में सुनियो अपनी जुबान की। बदलते भारत की शान। हम आपको बता दें कि डीडी किसान चैनल सिर्फ फ्री डिश पर ही नहीं बल्कि देश के सभी डीटीएच और केबल नेटवर्क पर भी उपलब्ध होगा। आज का सौभाग्यशाली दिन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा धरती पुत्र किसानों के साथ मनाने का निर्णय लेना इस बात का परिचायक है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की भारतीय किसानों की कर्मठता के प्रति अटूट श्रद्धा है। उनके हितों के प्रति वे बेहद जागरूक हैं। उनके हृदय में किसानों को लेकर अथाह संवेदनशीलता है और किसानों के विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की अद्वितीय प्रतिबद्धता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके ओजस्वी नेतृत्व में खेत खलिहान, गांव गरीब किसान के जीवन में अभूतपूर्व प्रगति का परिदृश्य हम भारतीयों को एकदम साफ नजर आता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारी आपसे विनती है कि कृपया हमें उद्बोधित करें। मंत्री परिषद के मेरे साथी, कृषि मंत्री श्रीमान राधा मोहन सिंह जी, सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, प्रसार भारती के चेयरमैन डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी, कैबिनेट सेक्रेटरी श्रीमान अजीत सेठ, राज्यों से आए हुए मंत्रीगण, देश के कोने कोने से आए हुए किसान भाइयों बहनों, कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए वैज्ञानिक, अर्थवेत्ता और उपस्थित सभी महानुभाव,
और इस कार्यक्रम में देश भर के लोग भी टीवी चैनलों के माध्यम से जुड़े हुए हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। कईयों को लगता होगा अब इतनी चैनलें चल रही है, नई क्या ले आए, कभी कभी लगता है कि हमारे देश में टीवी चैनलों का ग्रोथ इतना बड़ा तेज है, लेकिन जब बहुत सारी चीजें होती हैं तब जरूरत की चीज खोजने में जरा दिक्कत जाती है। आज खेलकूद के लिए अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो टीवी चैनल के माध्यम से सहजता से आपको मिल जाती है। भारत के ही खेल नहीं, दुनिया के खेल का भी अता पता चलता है। और आपने देखा है कि स्पोर्ट्स से संबंधित चैनलों के कारण हमारे यहाँ कई लोगों की स्पोर्ट्स के भिन्न भिन्न विषयों में रुचि बढ़ने लगी है, जबकि हमारे स्कूल कॉलेजेज में उतनी मात्रा में स्पोर्ट्स को प्राथमिकता नहीं रही है, लेकिन उन चैनलों का योगदान है जिन्होंने स्पोर्ट्स के प्रति नई पीढ़ी में रुचि पैदा की और उसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले हैं। पहले स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स के रूप में देखा जाता था, लेकिन धीरे धीरे पता चलने लगा लोगों के भी ये तो एक बहुत बड़ा अर्थशास्त्र है, लाखों लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। और खेल के मैदान में खेल खेलने वाले तो बहुत कम होंगे, लेकिन खिलाड़ियों के पीछे हजारों लोगों की फौज होती है जो भिन्न भिन्न प्रकार के कामों को करती है। यानी एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है, इन व्यवस्थाओं के माध्यम से पता चला। किसान हिंदुस्तान में इतना बड़ा वर्ग है, उसके पास कृषि के क्षेत्र में चीजें कैसे पहुंचे, ये बात हमें मान करके चलना पड़ेगा कि हमारे देश को आगे ले जाना है तो हमारे देश के गांवों को आगे ले जाना ही पड़ेगा। गांव को आगे ले जाना है तो कृषि को प्राथमिकता देते हुए उसको बढ़ावा देना ही पड़ेगा। ये सीधा साधा भारत के आर्थिक जीवन से जुड़ा हुआ सत्य है, लेकिन दिनों दिन हालत क्या हुई है आपको जानकर के हैरानी होगी। हमारे देश के किसानों ने कितना बड़ा पराक्रम किया हुआ है, कितना सारा समाज जीवन को दिया है। पुराने गैजेट्स का जो लोग स्टडी करते हैं, आज से 200 साल पहले साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में तेंजुवर का इलाके के किसानों का एक स्टडी हुआ था, और आज आप हैरान होंगे 200 साल पहले जबकि यूरिया भी नहीं था, पोटाश भी नहीं था, कीटनाशक दवाएं भी नहीं थी, उस समय वहां का किसान एक हेक्टर पर 15 से 18 टन पैड़ी का उत्पादन करता था।
कहने का तात्पर्य यह है कि उस समय हमारे पूर्वजों के पास ज्ञान विज्ञान नए प्रयोग की कुछ न कुछ तो था। 200 साल पहले हमारे देश में गेहूं कुछ इलाकों में करीब करीब 12 से 15 टन का उत्पादन प्रति हेक्टर हमारे किसान लेते थे। आज पूरे देश में औसत उत्पादन कितना है प्रति हेक्टर? सब प्रकार के धान मिला दिया जाए तो औसत उत्पादन है प्रति हेक्टर 2 टन। जनसंख्या बढ़ रही है, जमीन बढ़ती नहीं है, आवश्यकता बढ़ रही है, तब हमारे पास उपाय क्या बचता है? हमारे पास उपाय वही बचता है कि हम उत्पादकता बढ़ाएं। प्रति हेक्टर हमारी उत्पादकता बढ़ेगी तो हमारी आय बढ़ेगी। आज देश में एवरेज प्रति हेक्टर 2 टन का उत्पादन है। विश्व का एवरेज 3 टन का है। क्या कम से कम हिंदुस्तान सभी किसान मिलकर के वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी बीज सप्लाई करने वाले दवाई सप्लाई करने वाले सब लोग मिलके क्या ये सोच सकते हैं कि प्रति हेक्टर 3 टन उत्पादन कैसे पहुंचाए? अब यूं 2 से 3 होना लगता बहुत छोटा है, लेकिन वो छोटा नहीं, बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। लेकिन सपने देखे तो सही, हर तहसील में ये स्पर्धा क्यों ना हो कि बताओ भाई आज बार हमारी तहसील में इतनी भूमि जोती गई, क्या कारण है कि हम 2 टन से सिर्फ इतना ही बढ़ पाए और ज्यादा क्यों ना बढ़ पाए? देश में एक कृषि उत्पादन में अगर तहसील को यूनिट माने तो एक बहुत बड़ा स्पर्धा का माहौल बनाने की आवश्यकता है। और तहसील को यूनिट मैं इसलिए कहता हूं कि क्लाइमेटिक जोन होते हैं, कुछ इलाके ऐसे होते हैं कि कुछ ही फसलें होती हैं, कुछ मात्रा में हो सकती है। कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहां कुछ फसल होती है अधिक मात्रा में हो सकती है, लेकिन अगर तहसील इकाई होगी तो स्पर्धा के लिए सुविधा रहती है। और अगर हमारे देश के किसान को लाल बहादुर शास्त्री जी ये कहें जय जवान जय किसान का मंत्र दें, लाल बहादुर शास्त्री जी के पहले हम लोग गेहूं विदेशों से मंगवा करके खाते थे, सरकारी अफसरों के जिम्मे उस कालखंड के जो सरकारी अफसर हैं, और आज शायद वो सीनियर मोस्ट हो गए होंगे या तो रिटायर्ड हो गए होंगे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का सबसे पहला काम रहता था कि कांडला पोर्ट पर या मुंबई के पोर्ट पर विदेश से जो गेहूं आया है उसको पहुंचाने की व्यवस्था ठीक हुई कि नहीं हुई, पहुंचा कि नहीं पहुंचा, इसी में उनका दिमाग खपा रहता था, जवाब उन्हीं से मांगा जाता था। देश बाहर से मंगवा करके खाना था खाता थे, हकीकत है। देश के किसानों के सामने लाल बहादुर शास्त्री जी ने लक्ष्य रखा, जय जवान जय किसान का मंत्र दिया, और युद्ध की विभीषिका का बैकग्राउंड था, देशभक्ति का ज्वार था, और लाल बहादुर शास्त्री जी की सादी सरल भाषा थी। हमारे देश के किसानों ने इस बात को पकड़ लिया और देश के किसानों ने तय कर लिया कि हम अन्न के भंडार भर देंगे। मेरे देश के किसानों ने उसके बाद कभी भी हिंदुस्तान को भूखा नहीं मरने दिया।
किसान का जेब भरे या न भरे, देश के नागरिकों का पेट भरने में कभी कमी नहीं रखी है। इस सच्चाई को समझने के बावजूद भी हम बदले हुए युग को देखते हुए अगर परिवर्तन नहीं लाएंगे तो परिस्थितियां नहीं पलटेंगी। एक समय था, हमारे यहां कहा जाता था, उत्तम से उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और कनिष्ठ नौकरी, ये हमारे घर घर की गूंज थी। लेकिन समय रहते आज अगर किसी किसान के घर में जाइए, तीन बच्चे हैं, उसको पूछिए भाई क्या सोचा है बच्चों का, क्या करोगे, बोले ये तो जरा पढ़ने में अच्छा है, जरा समझदार है, तो उसको तो कहीं नौकरी पे लगा दूंगा, ये भी शायद कहीं काम कर लेगा, लेकिन ये छोटे वाला है ना, वो ज्यादा समझता नहीं, सोच रहा हूं उसको खेती में ही लगा दूं। यानी घर में भी ये सोच बनी है कि जो तेज तर्रार बच्चा है उसको तो कहीं नौकरी करने के लिए भेज दो, और जो ठीक है भाई और कहीं बेचारे को मिलता नहीं, वो खेती कर लेगा, अपनी पेट गुजारा कर लेगा। जो खेती उत्तम मानी जाती थी वो खेती कनिष्ठ बन गई, और जो नौकरी कनिष्ठ मानी जाती थी उत्तम बन गई। चक्र ही उलट गया। मुझे लगता है इसको फिर से हमने एक बार उलटाना है। और प्रयास करें तो सफलता मिल सकती है। मेरा अपना एक अनुभव बताता, जब गुजरात का मुख्यमंत्री के नाते मुझे एक बार जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बुलाया था और प्रगतिशील किसानों को सम्मानित करना था। मैं जब जाने वाला था तो मैं सोच रहा था कि क्या उनके सामने क्या बात करूंगा, दिमाग रास्ते में प्रवास के दरमियान चल रहा था, और मेरे माइंड में ऐसा बैठ गया था कि ये तो सब बहुत ही वृद्ध किसान होंगे, बड़ी आयु के होंगे, तो उनके लिए ऐसी बात बताऊंगी। जहां मैं पहुंचा और ऑडियंस देखा तो मैं हैरान था, करीब करीब सभी 35 से नीचे की उम्र के थे, और मैंने उस दिन करीब 12 या 15 किसानों को इनाम दिया। वे सारे यंग थे, जींस पैंट और टी शर्ट में आए हुए थे पूरा। मैंने उनको पूछा भाई क्या पढ़े थे, सारे पढ़े लिखे थे, तो मैंने कहा आप खेती में वापस कैसे आ गए, बोले कुछ जो बदलाव आया है उसका हम फायदा ले रहे हैं, अगर हम फिर से एक बार आधुनिक विज्ञान को टेक्नोलॉजी को गांव और खेत खलिहान तक पहुंचा देंगे तो देश का सामान्य व्यक्ति, देश का नौजवान जो खेती से भागता चला गया है वो फिर से खेती के साथ जुड़ सकता है और देश की अर्थव्यवस्था को एक नई गति दे सकता है। लेकिन इसके लिए हमें एक विश्वास पैदा करना पड़ेगा, एक माहौल पैदा करना पड़ेगा। हिंदुस्तान के 50% से ज्यादा किसान ऐसे होंगे गांव में जिन्हें ये पता नहीं होगा कि सरकार में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होता है, कोई एग्रीकल्चर मिनिस्टर होता है, सरकार में एग्रीकल्चर के संबंध में कुछ नीतियां, कुछ पता नहीं होगा। हमारे देश की कृषि किसानों के नसीब पर छोड़ दी गई है, और वो भी स्वभाव से इसी मूड का है, पर पता नहीं भाई अब कुदरत रूठ गई है, पता नहीं ईश्वर नाराज है, यही मात मान के बेचारा अपनी जिंदगी गुजारा कर देता है। ये इतना क्षेत्र बड़ा उपेक्षित रहा है, उस क्षेत्र को हमने वाइब्रेंट बनाना है,
गतिशील बनाना है और उसके अनेक प्रकार के काम चल रहे हैं। मैंने तो देखा है कि किसान अपने खेत में फसल लेने के बाद जो बाद की जो चीजें रह जाती है उसको जला देता है। उसको लगता था कि अरे भाई कहाँ उठा के ले जाऊंगा, इसको कौन लेगा, वो खेत में ही जला देता था। उसे पता नहीं था कि यही चीजें अगर थोड़े टुकड़े कर करके मैं फिर से जमीन में गाड़ दूं तो वही खातर बन सकती हैं, वही मेरी पैदावार को बढ़ा सकती हैं। लेकिन अज्ञान के कारण वो जलाता, यहाँ भी कई किसान बैठे होंगे, वे भी अपनी ऐसी चीजें जलाते होंगे खेत में। ये आज भी हो रहा है। अगर थोड़ा उनको गाइड करे कोई, हमने देखा होगा केले की खेती करने वाले लोग, केला निकालने के बाद वो जो पूरा पौधा रहता है उसका, उसको लगता है बाद में उसका कोई उपयोग ही नहीं है। लेकिन आज विज्ञान ने उस केले में से ही उत्तम प्रकार का कागज बनाना शुरू किया है, उत्तम प्रकार के कपड़े बनाना शुरू किया है। अगर उस किसान को पता होगा तो केले की खेती के बाद भी कमाई करेगा और उस कमाई के कारण उसको कभी रोने की नौबत नहीं आएगी। एक बार मानो केला भी विफल हो गया, मैं एक प्रयोग देखने गया था, यानी केला निकालने के बाद जो खाली खड़ा हुआ ये उसका पौधे का हिस्सा रहता है, अगर उसको काट करके जमीन के अंदर गाड़ दिया जाए तो दूसरी फसल को 90 दिन तक पानी की जरूरत नहीं पड़ती। उस केले के अंदर उतना वाटर कंटेंट रहता है कि 90 दिन तक बिना पानी पौधा जिंदा रह सकता है। लेकिन अगर ये बातें नहीं पहुंची तो वो लगे मानेगा, अरे यार अब इसको उठाने के लिए, और मुझे याद है वो खेत में से उठाने के लिए वो खर्च करता था, ले जाओ भाई। जैसे उसको पता चलने लगा तो उसकी वैल्यूएडेशन करने लगा, चेन बनाने लगा। हमारे देश में कृषि में मल्टीपल यूटिलिटी की दिशा में हम कैसे जाएं, मल्टीपल एक्टिविटी में कैसे जाएं, जिसके कारण हमारा किसान जो मेहनत करता है उसको लाभ हो। कभी कभी किसान एक फसल डाल देता है लेकिन अगर कोई वैज्ञानिक तरीके से उसको समझाए कि इस फसल के बगल में अगर इसको डाल दिया जाए तो उस फसल को बल मिलता है और ये फसल मुफ्त में तुम्हारी वैसे ही खड़ी हो जाएगी। जो आप में से किसानों को मालूम है कि इस प्रकार का क्या व्यवस्था होती है। अब बहुत से किसान हैं उसको मालूम नहीं है, वो बेचारा एक चीज डालता है तो बस एक ही डालता है, उसे पता नहीं होता है कि बीच में एक चीज डाले तो वो अपने आप में एक दूसरे को कंपनसेट करते हैं और मुझे एक अतिरिक्त इनकम हो जाती है। इन चीजों को उन तक कौन पहुंचाए? हमारे देश के किसान का एक स्वभाव है। किसान का स्वभाव क्या है? कोई भी चीज उसके पास लेके जाओ वे आउटराइट कभी रिजेक्ट नहीं करता है, देखते ही नहीं नहीं बेकार है, ऐसा नहीं करता है। उसी प्रकार से वो आउटराइट सिलेक्ट भी नहीं करता है। आपकी बात सुनेगा, 10 सवाल पूछेगा, 50 बार देखेगा, 3 बार आपके पास आएगा, वो अपना दिमाग खपाता रहेगा लेकिन फिर भी स्वीकार नहीं करेगा। किसान तब स्वीकार करता है जब वो अपनी आंखों से सफलता को देखता है, ये उसका स्वभाव है। और इसलिए जब तक किसान के अंदर आप विश्वास नहीं भरते हैं, उसको एक भरोसा नहीं होता, हाँ भाई जो व्यवस्था, क्योंकि इसका कारण ये नहीं कि वो साहसिक नहीं है, लेकिन उसे मालूम है कि अगर एक गलती हो गई मतलब साल बिगड़ गया, और साल बिगड़ गया और 18 साल 20 साल की बच्ची हुई है, हाथ पीले करने के सपने तय किए हैं, अगर एक साल बिगड़ गया तो बच्ची की शादी 4 साल रुक जाती है, ये उसकी पीड़ा रहती है। और इसलिए किसान तुरंत हिम्मत नहीं करता है, सोचता है किसान के पास ये बात कौन पहुंचाए, इन समस्याओं का समाधान करने के लिए, किसान तक अनुभवों की बात पहुंचाने के लिए और किसान के माध्यम से पहुंचाने के लिए
एक प्रयास ये है किसान चैनल। और इसलिए एक बात हमें माननी होगी कि हमारे कृषि क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव लाना जरूरी हो गया है। आज ग्लोबल इकोनॉमी है, हम सैटेलाइट पर ढेर सारा खर्चा करते हैं, एक के बाद एक सैटेलाइट छोड़ रहे हैं। उन सैटेलाइट की टेक्नोलॉजी का, स्पेस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा अगर कोई लाभ हुआ है तो वो लाभ हुआ है मौसम की जानकारियां अब करीब करीब सही निकलने लगी है। पहले मौसम की जानकारियां किसान को भी भरोसा नहीं होता था, वो लगता है यार ठीक है, ये तो कहता था धूप निकलेगा, नहीं निकला। लेकिन अब ये जो खर्चा कर रही है सरकार, ढेर सारे सैटेलाइट छोड़ रही है, ये अरबों खरबों रुपयों का खर्च हुआ है, इसका अगर सबसे बड़ा लाभ किसी को मिल सकता है तो किसान को मिल सकता है, वो मौसम की खबर बराबर ले सकता है। मैं इस किसान चैनल के माध्यम से मैं हमारे किसानों की आदत डालना चाहता हूं कि वे ये मौसम विज्ञान को तो अवश्य टीवी पर देखें वो, और मैं हमारे प्रसार भारती के मित्रों को और किसान चैनल वालों को भी कहूंगा कि एक बार किसान को विश्वास हो गया कि हाँ भाई ये बारिश के संबंध में, हवा चलने के संबंध में, धूप के संबंध में बराबर जानकारी आ रही है, तो उसको बराबर मालूम है कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, वो अपने आप रास्ता खोज लेगा और परिस्थितियों को संभाल लेगा, मुझे पता है। आज ये व्यवस्था नहीं है, आज जनरल नेचर का आता है, वो भी मोटे तौर पर जानकारी आती है, उसमें ज्यादा रुचि नहीं लेते। मैं इस टेक्नोलॉजी में, मेरी आदत है वेबसाइट पर जाने की, लेकिन बारिश के दिनों में मैं कोई खबर पहले नहीं देखता हूं, वेबसाइट पर जाकर के सबसे पहले मैं उस समय तो 5-6 दुनिया की जितनी बड़ी महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं थी जहां से मौसम की जानकारी मिलती, तुरंत देखता था। हर बार 5-6 जगह पर रोज सुबह मॉर्निंग में मेरा ये कार्यक्रम रहता था, मैं देखता था कि भाई पूरे विश्व में मौसम की स्थिति क्या है, बारिश कब आएगी, बारिश के दिनों की बात है। मैं चाहता हूं कि सामान्य मानवी से जुड़े। दूसरा, आज ग्लोबल इकोनॉमी है, एक देश है उसे हमें अगर पता चलता है कि वहां इस बार मूंगफली बहुत पैदा होती थी लेकिन इस बार उसकी मूंगफली एकदम से कम हो गई है, तो भारत के किसान को पता चलेगा कि भाई सबसे ज्यादा मूंगफली देने वाला देश था उसकी तो हालत खराब है, मतलब ग्लोबली मूंगफली का मार्केट बढ़ने वाला है। किसान सोच सकता है कि भाई उसके यहां तो 2 महीने पहले फसल, क्योंकि बारिश तो हर एक जगह पे अलग अलग है, तो वो निर्णय कर पाएगा कि भाई इस बार मौका है, उसके तो सब बुरा हो गया है, मैं उसमें से कुछ कर सकता हूं, मैं अगर मूंगफली पे चला जाऊं तो मेरा मार्केट पक्का हो जाएगा, और वो चला जाता है। हम पूरे वैश्विक दृष्टि से दुनिया के किस बेल्ट में किसानों का क्या हाल है, किस प्रकार का वहां पैदावार की स्थिति है, वहां बारिश की स्थिति क्या है, बदलाव क्या आ रहा है, उसके आधार पर हम तय कर सकते हैं। हमारे देश में जो खजूर की खेती करते हैं, खजूरी शब्द है ना, डेप, अरब देशों में हमसे 2 महीने बाद फसल आती है। हमारे देश में जो लोग इसकी खेती करते हैं उनको 2 महीने पहले मार्केट मिल जाता है, और उसके कारण अरब देशों में जो क्वालिटी है उसकी क्वालिटी हमारी तुलना में ज्यादा अच्छी है, क्योंकि नेचुरल क्रॉप वहीं का है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे यहाँ खजूर की खेती करने वालों को बाजार मिल जाता है। क्यों? क्योंकि हम 2 महीने पहले आते हैं। हम ये ग्लोबल इकोनॉमी का जो चीजें हैं उसको अगर गहराई से समझ करके हम अपने किसानों को गाइड करें तो उसको पता चलेगा, वरना कभी क्या होता है, किसान को मुसीबत।
एक बार हवा चल पड़ती है कि भाई टमाटर की खेती बहुत अच्छी है, तो किसान बेचारा आंख बंद करके टमाटर में लग जाता है, और जब टमाटर बहुत ज्यादा पैदा हो जाता है तो दाम टूट जाता है, दाम टूट जाता है, टमाटर लंबे दिन रहता नहीं, वो घाटे में चला जाता है। और इसलिए कृषि में उत्पादन के साथ उसकी अर्थनीति के साथ जोड़ करके ही चलना पड़ेगा, और उसमें एक मध्यमार्गी काम करने के लिए सरकारी तंत्र किसान चैनल के माध्यम से प्रतिदिन आपके साथ जुड़ा रह सकता है, आपको शिक्षित कर सकता है, आपका मार्गदर्शन करता है, आपकी सहाय कर सकता है। हमें अगर बदलाव लाना है तो जिस प्रकार से विश्व में बदलते बदलावों को समझ करके अपने यहां काम करना होगा, मौसम को समझ के हुए हमारी काम की रचना कर सकते हैं, उसी प्रकार से हम टेक्नोलॉजी के द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज दुनिया में कृषि क्षेत्र में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है। हर किसान के पास ये संभव नहीं है कि दुनिया में टेक्नोलॉजी कहाँ है वो देखने के लिए जाए, विदेश जाए जाकर के देख, नहीं है। मैं चाहूंगा कि इस किसान चैलेंज के माध्यम से नए नए टेक्नोलॉजी क्या आई है, उन नई नई टेक्नोलॉजी किसान के लिए सिर्फ मेहनत बचाने के लिए नहीं, उस टेक्नोलॉजी के कारण परिणाम बहुत मिलता है। टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन कभी कभी बहुत बड़े मिरेकल कर देता है, हम उसकी ओर कैसे जाए। उसी प्रकार से राष्ट्र की आवश्यकताओं की ओर हम ध्यान कैसे दें। आज भी लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा, किसान ने बात उठा ली, अन्न के भंडार भर दिए। आज माल न्यूट्रिशन एक हमारी चिंता का विषय है, कुपोषण ये हमारी चिंता का विषय है, और कुपोषण से मुक्ति में एक महत्वपूर्ण आधार होता है प्रोटीन। ज्यादातर हमारे यहां परिवारों को, गरीब परिवारों को प्रोटीन मिलता है दाल में से, पल्सिस में से, लेकिन देश में पल्सिस का उत्पादन बढ़ नहीं रहा है, प्रति हेक्टर भी नहीं बढ़ रहा है और उसकी खेती भी कम हो रही है। अगर हमें हमारे देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को प्रोटीन पहुंचाना है तो पल्सिस पहुंचानी पड़ेगी। पल्सिस ज्यादा मात्रा में तब पहुंचेगी जब हमारे यहां पल्सिस की खेती ज्यादा होगी, पल्सिस का उत्पादन ज्यादा होगा। हमारी यूनिवर्सिटीज को भी मैं कहता हूं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज एक एक अलग 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 पल्सिस को लेके हम उसमें रिसर्च कैसे करें, जेनेटिक इंजीनियरिंग कैसे करें, हम प्रति हेक्टर उसके उत्पादन कैसे बढ़ाएं, जो उत्पादित चीजें हों उसमें प्रोटीन कंटेंट कैसे बढ़े, उस पर हम कैसे काम करें ताकि हमारे किसान को सही दाम भी मिले। देश को आज पल्सिस इंपोर्ट करनी पड़ती है। हम ठान लें कि 10 साल के भीतर भीतर ऐसी मेहनत करें जब 2022 में हिंदुस्तान आजादी के 75 साल मनाता है, उस समय हमें पल्सिस इंपोर्ट न करना पड़े, हमारी दाल वगैरह उत्पन्न इंपोर्ट न करनी पड़े, हम किसान मिलकर के काम कर सकते हैं क्या, हम एक मिशन मोड में काम कर सकते हैं। और दुनिया में बहुत प्रयोग हुए हैं, दुनिया में बहुत प्रयोग हुए हैं, उसकी आवश्यकता है। ऑयल इंपोर्ट करना पड़ रहा है। एक तरफ हमारा किसान जो पैदावार करता है उसके दाम नहीं मिलते, और दूसरी तरफ देश की जरूरत है वो पैदा नहीं होता है। हमें विदेश से ऑयल लाने के लिए तो पैसा देना पड़ता है, लेकिन किसान देने को देने के पास हमारे पास कुछ बचता नहीं है। अगर हमारा ऑयल इंपोर्ट बंद हो जाए, खाने का तेल क्या हम उत्पादित नहीं कर सकते, हम टारगेट नहीं कर सकते, इन चीजों को हमारे किसान को हम कैसे समझाएं। और मुझे विश्वास है एक बार किसान को समझ आ गई कि एक देश की आवश्यकता है, इसके दाम कभी गिरने वाले नहीं है, वो मैदान में आ जाएगा। इस देश के पास करीब करीब 1200 टापू है हिंदुस्तान के समुद्री तट पे। टापुओं पर उस प्रकार की खेती संभव होती है जहां से हमारी तेल की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। आज हम तेल बाहर से लाते हैं,
हमारे किसान, हमारे पंजाब के किसान तो कनाडा में जाइए खेती वही करते हैं, अफ्रीका में जाइए हमारे देश के किसान जाकर के खेती करते हैं, ये हमारे देश के किसान हमारे टापुओं पर जाकर के कर सकते हैं खेती। कभी वैज्ञानिक अध्ययन होना चाहिए, और मैं चाहूंगा कि हमारे जो किसान चैनल है वो भी कभी जाकर के देखे तो सही, टापुओं का रिकॉर्डिंग करके दिखाए लोगों को कि भाई ये टापू है, इतना बड़ा है, इस प्रकार के वहां प्राकृतिक संपदा पड़ी है, यहां ऐसी ऐसी संभावना है, क्लाइमेट उस प्रकार का है कि जो हमारे ऑयल सीड्स की जो रिक्वायरमेंट है उसकी पूरी कर सकता है। वैज्ञानिक तरीके से होना, मैं इसका वैज्ञानिक नहीं हूं, मैं इसके लिए कुछ कह नहीं सकता हूं, लेकिन मैं एक विचार छोड़ रहा हूं, इस विचार पर चिंतन हो, सही हो तो आगे बढ़ाया जाए, नहीं है तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को वापस दे दिया जाए, मुझे कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन प्रयास तो हो। मैं चाहता हूं इस किसान चैनल के माध्यम से एक व्यापक रूप से देश के कृषि जगत में बदलाव कैसे आए, आर्थिक रूप से हमारी कृषि समृद्ध कैसे हो, और जब हम कृषि की बात करते हैं तब बारिश के सीजन वाली कृषि से आप अटक नहीं सकते, हम 12 महीने का सोच, 365 दिन का चक्र सोचना होगा। हमारे सागर खेड़ू, समुन्द्र में जो हमारे लोग हैं उनको भी सागर खेड़ू बोलते हैं, फिशरमैन, वो भी एक बहुत बड़ा आर्थिक क्षेत्र है, वो विद इन इंडिया भी लोगों की आवश्यकता पूरी करते हैं और एक्सपोर्ट करके हिंदुस्तान की तिजोरी भी भरते हैं। हम इसके माध्यम से फिशरीज के क्षेत्र को कैसे आगे बढ़ाएं, बहुत कम लोगों को मालूम होगा ऑर्नामेंटल फिश का दुनिया में बहुत बड़ा मार्केट है, जो घरों के अंदर फिश रखते हैं, रंग रंगीन फिश देखने के लिए लोग बैठते हैं, उसका दुनिया में बहुत बड़ा मार्केट, खाने वाले फिश नहीं, ऑर्नामेंटल फिश, और उसको उसके फार्म बनाए जा सकते हैं, उसकी उसकी रचनाएं की जा सकती है, उसकी ट्रेनिंग हो सकती है, एक बहुत बड़ा नई पीढ़ी के लिए पसंदी का काम है, हम क्यों ना करें। हमारी कृषि को तीन हिस्सों में बांटना चाहिए, और हर किसान ने अपने कृषि के टाइम टेबल को तीन हिस्सों में बांटना चाहिए, ऐसा मेरा आग्रह, और प्रयोग करके देखिए। मैं विश्वास से कहता हूं कि आप, मैं जो सलाह दे रहा हूं उसको स्वीकार करिए, आपको कभी सरकार के सामने देखने की जरूरत तक नहीं पड़ेगी। हमारी कृषि आत्मनिर्भर बन सकती है, हमारा किसान स्वावलंबी बन सकता है, और हमारे कदम वही होने चाहिए कि वो सरकारों पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। और मैं इसलिए कहता हूं कृषि को तीन हिस्सों में बांट के चलना चाहिए, एक तिहाई जो आप परंपरागत रूप से करते हैं वो खेती, एक तिहाई एनिमल हस्बेंड्री, चाहे आप गाय रखे, भैंस रखे, दूध का उत्पादन करें, मुर्गी रखे, अंडे रखे, लेकिन एक तिहाई उसके लिए आपकी ताकत लगाइए, और एक तिहाई आप अपने ही खेत में टिम्बर की खेती करें, पेड़ उगाए, जिससे फर्नीचर के लिए जो लकड़ी लगती है ना वो बने। आज हिंदुस्तान को टिम्बर इंपोर्ट करना पड़ रहा है, जंगल हम काट नहीं सकते, तो उपाय यही है, और उसके लिए भी जमीन खराब करने की जरूरत नहीं है। आज हमारे देश की हजारों लाखों हेक्टेयर भूमि कहां बर्बाद हो रही है, दो पड़ोसी किसान हो, एक तो हमारा देश में सब छोटे किसान है, बड़े किसान हमारे देश में नहीं है, छोटे किसान है, और हमारे देश का पेट भरने का काम भी छोटे किसान करते हैं, बड़े किसान नहीं करते, छोटे किसान करते। दो तीन बीघा भूमि है पड़ोसी के पास, तीन बीघा दोनों भाई हैं, लेकिन बीच में ऐसी दीवार बना देते हैं, बाड़ लगा देते हैं कि दो तीन मीटर उसकी जमीन खराब होती है, दो तीन मीटर इसकी खराब होती है, सिर्फ इसी के लिए। अगर एक बार ये बाड़ में से हम बाहर आ जाएं और अगर पेड़ लगा दे, एक पेड़ इस वाले का, एक पेड़ उस वाले का, एक इसका एक उसका, और आधे उसके आधे इसके, आप मुझे बताइए जमीन बच जाए कि नहीं बच जाएगी। लाखों एकड़ भूमि आज बर्बाद हो रही है। मैं किसानों से आग्रह करता हूं कि अड़ोस पड़ोस में अपने भाई हो या और कोई हो, दो खेतों के बीच जो बाड़ में दो दो पांच पांच सात सात मीटर जमीन खराब होती है, उसकी जगह पे पेड़ लगा दें।
और वो भी टिम्बर, और सरकार आपको परमिशन दे, आपके घर में बेटी पैदा हुई हो पेड़ लगा दीजिए, बेटी की शादी हो पेड़ काट दीजिए, शादी उतने ही खर्चे में हो जाएगी। हम उन चीजों को, और इसलिए मैं कहता हूं एक तिहाई टिम्बर की खेती, एक तिहाई हम रेगुलर जो खेती करते हैं वो, और एक तिहाई देश को मिल्क की बहुत जरूरत है, हम पशुपालन कर सकते हैं, और हमारी माताएं बहनें करती हैं। 365 दिन का हमारा आर्थिक चक्र हम बना सकते हैं, और एक बार ये बनाएंगे, मैं नहीं मानता हूं हमारे कृषि क्षेत्र को हम परेशान होने देंगे। लेकिन इस काम के लिए हमने इस चैनल का भरपूर उपयोग करना है, लोगों को प्रशिक्षित करना है, उनमें विश्वास पैदा करना है। उसी प्रकार से हमारे देश के हर तहसील में मैं कहता हूं एक दो प्रगतिशील किसान है, प्रयोग करते हैं, सफलतापूर्वक करते हैं, उनके खेतों का लाइव टेलीकास्ट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग खेत से ही हो सकता है। खेत में ही सरकार जाए, चैनल वहां लगाए, वो किसान दिखाएं घूम घूम कर, देश भर के किसान देखें, उसके पत्र व्यवहार की व्यवस्था कर दी जाए, सारे देश के किसान उसको पूछते रहेंगे, भाई आप ये कर रहे हैं मुझे बताइए कैसे हो सकता है, मेरे यहां भी हो सकता है। हमारे देश में प्रगतिशील किसानों ने ऐसे पराक्रम किए हैं, मैं कई किसानों को जानता हूं जिन्होंने ग्रीनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। मैं एक किसान को जानता हूं, एक मुस्लिम नौजवान है, पिताजी तो खेती नहीं करते थे, वो खेती में गया, और आलू की पैदावार प्रति हेक्टर सबसे ज्यादा करके दुनिया में नाम कमाया उसने। अगर मेहनत करते हैं तो हम स्थितियों को बदल सकते हैं, और इसलिए मैं कहता हूं कि हम किसान चैनल के माध्यम से जहां भी अच्छा हुआ है, प्रयोग हुए हैं, उसको हम करना चाहते हैं। आप पंजाब में जाइए, हर गांव में एकाध किसान ऐसा है जो टेक्नोलॉजी में मास्टर है, वो जुगाड़ करके ऐसी ऐसी चीजें बना देता है, और वो जुगाड़ शब्द ही पॉपुलर है। मैं पंजाब में मेरी पार्टी का काम करता था, तो मैं चला जाता था खेतों में किसानों के साथ देखने के लिए, समझने के लिए। हर एक के पास मोटरसाइकिल का पुर्जा है, उठा करके कहीं और लगा दिया है, मारुति कार का पुर्जा कहीं और लगा दिया है, और वो अपना पानी निकाल रहा है। ऐसे प्रयोगशील होते हैं किसान, इतनी टेक्नोलॉजी को करते हैं जी। मैं समझता हूं देश के और लोगों को इसका परिचय हो, टेक्नोलॉजी का परिचय हो, एक बार हम इन चीजों को जोड़े, और दूसरी तरफ हमारी यूनिवर्सिटीज ये किसान चैनल को आधुनिक से आधुनिक चीजें मुहैया कराने का एक नेटवर्क बनना चाहिए, और कभी किसान चैनल भी कंपटीशन क्यों ना करे, बस 20 प्रकार की कंपटीशन करे। अब जैसे ये चैनल वाले होते हैं, वो गायकों को ढूंढते हैं, नाचने वालों को ढूंढते हैं, कंपटीशन करते हैं, तो उत्तम प्रकार की खेती करने वालों की भी कंपटीशन हो सकती है, उनके प्रयोग हो सकते हैं, वो आए दिखाएं समझाएं। मैं समझता हूं कि चैनल सबसे ज्यादा पॉपुलर हो सकती है, और प्रसार भारती मेरे शब्द लिख करके रखें, अगर आप सफल हो गए, और मुझे विश्वास है कि जिस लगन से आपने इतने कम समय में काम किया है, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई और चैनल चलाने के लिए टेक्नोलॉजी सिर्फ चलती है, लेकिन इसमें तो आपको खेतों में जाना पड़ा है, गांव में जाना पड़ा है, किसानों से मिलने पड़ा है, आपका सारा मटेरियल तैयार करना पड़ा है। मैं जानता हूं कितनी मेहनत पड़ी होगी, तब जाकर के चैनल का रूप आया होगा, लेकिन अगर बढ़िया ढंग से चली तो 3 साल के बाद आपको चलाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मुश्किल हो जाएगा कि जो 24 घंटे वाले हैं ना, वो भी अपनी चालू कर देंगे, उनको इसकी ताकत समझ आएगी। आज आज उनके यहां इसको मौका नहीं है,
लेकिन आप अगर सफल हो गए तो दूसरी 20 चैनल किसानों के लिए आ जाएगी और एक ऐसी कंपटीशन का माहौल होगा, मेरे किसान का भाग्य खुल जाएगा। और इसलिए मैं आज इस किसान चैनल के माध्यम से, आपने एक जो नई शुरुआत की है, देश के गांव गरीब किसान को जोड़ने का प्रयास किया है, जिसे मैं आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ना चाहता हूं, मैं जिसे सैटेलाइट की टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना चाहता हूं, जिसको अपना भविष्य बनाने का रास्ता बनाने के लिए तैयार करना चाहता हूं, उस काम को हम सफलतापूर्वक करेंगे, उसी एक विश्वास के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश के सभी किसान भाइयों बहनों को मेरी हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। हमारी आपसे प्रार्थना है माननीय प्रधानमंत्री जी कि कृपया अब किसान रथ को फ्लैग ऑफ करके अपना वरद हस्त दें माननीय, इसके लिए कृपया मंच के सामने आने की कृपा करें। देश के विकास रथ की गति प्रगति से हर देशवासी अभिभूत है। अब किसान रथ माननीय प्रधानमंत्री जी के फ्लैग ऑफ करने के साथ ही आगे बढ़ेगा। झूमते गाते भंगड़ा पाते और ये किसान रथ आगे बढ़ चला है। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय प्रधानमंत्री जी के ओजस्वी नेतृत्व में देश की आने वाली तस्वीर कैसी होगी, इन पंक्तियों से स्पष्ट है। नदियां आएंगी खेतों तक, फसलें कंचन हो जाएंगी, आशाओं की सूखी डाली सुरभित मधुबन हो जाएगी। ग्रह नक्षत्र खिलौने होंगे, ऊंचे पर्वत बौने होंगे, अंतरिक्ष होगा बाहों में, सूरज तक तैयारी होगी। ये सदी हमारी होगी, ये सदी हमारी होगी। अब हम प्रसार भारती के चेयरमैन डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश से अनुरोध करते हैं कि कृपया आभार प्रकट करें। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री राधा मोहन सिंह जी, श्री राज्यवर्धन राठौड़ जी, कैबिनेट सेक्रेटरी अजीत सेठ जी और यहाँ उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों, मैं आप सबको हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज दूरदर्शन के किसान चैनल के लॉन्च पर मैं प्रसार भारती परिवार की ओर से उनका धन्यवाद करता हूँ। अपनी व्यस्त कार्यक्रम से उन्होंने हम सब के लिए जो समय निकाला, उसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। प्रसार भारती चेयरमैन होने के नाते किसानों के लिए एक्सक्लूसिव चैनल की लॉन्चिंग पर मैं गर्व महसूस करता हूँ। जहाँ तक मुझे पता है, किसान और ग्रामीण विकास को समर्पित कोई दूसरा चैनल नहीं है, ना सिर्फ प्रसार भारती के लिए बल्कि पूरे देश के लिए ये अपनी तरह का पहला चैनल होगा। किसान चैनल का आइडिया प्रधानमंत्री और सरकार का है। हमें पूरा विश्वास है कि इस प्रधानमंत्री जी के आइडिया को मूर्त रूप देने में हम सफल होंगे। बिफोर आई कंक्लूड, ए फ्यू वर्ड्स फॉर द फार्मर्स फ्रॉम द नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स इन द कंट्री।
DD Kisan is a Hindi channel, but that does not mean that we in Prasar Bharati do not care for those who speak other languages. What we propose to do is to take the best of the programs from DD Kisan and have them dubbed and broadcast in all our regional channels. Therefore, there need be no apprehension on this count among farmers in other regions of the country. The other issue that I wish to address is about the status of Prasar Bharati. Parliament has willed that Prasar Bharati be autonomous, but that does not mean that the corporation sever all links with the Ministry of Information and Broadcasting. So long as public funds come into the coffers of Prasar Bharati, the I&B Ministry will be answerable to Parliament on what goes on in our corporation. The relationship between the corporation and the Ministry, therefore, is a tightrope walk. I wish to thank the I&B Minister, Mr. Arun Jaitley, who is not here with us today. He is busy on some other engagement elsewhere. I wish to thank him for unobtrusively steering this relationship along the path that is mandated by Parliament. I also thank Mr. Rajyavardhan Rathod and the I&B Secretariat, headed by Mr. Bimal Julka, for all their efforts to make this event a success. In Prasar Bharati, the CEO, Mr. Jawar Sarkar, and all members of the board have shown extraordinary teamwork in the execution of this project. I want to thank them for their effort and say that such synergy will take the corporation to new heights. As far as the team of the Kisan Channel is concerned, it must be said that it has put in extraordinary efforts over many months to develop such a niche channel. I want to congratulate the ADG, Mr. Ranjan Mukherjee, who heads the channel, and every other member of the team for the great effort they have put in. Similarly, very special thanks are due to Mr. Naresh Siroi, the advisor to the channel. He has dedicated all his time and effort towards developing this channel, and his advice has been invaluable. Thank you very much, sir. Aakhir mein, desh ke alag-alag rajyon se aaye kisanon ko main hardik dhanyavad dena chahta hoon. दूर दूर से आकर आपने इस चैनल को आशीर्वाद दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। जय किसान, जय हिंद। धन्यवाद डॉक्टर सूर्य प्रकाश, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रस्थान करने तक कृपया अपने स्थान पर ही रहें। मैं आप सभी से निवेदन करती हूं कि कृपया माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रस्थान करने तक आप लोग अपने ही स्थान पर रहें। किसानों की बात और किसानों से बात का सबसे बड़ा मंच अब उपलब्ध है, दूरदर्शन का किसान चैनल। किसानों के हर सरोकार से जुड़ा, उनकी हर बात को उठाने, सुलझाने, समझाने, बताने और बूझने का एक अनोखा संकल्प और अनूठी पहल, दूरदर्शन का किसान चैनल। एक महान देश के अन्नदाताओं को समर्पित 24 घंटे का ये चैनल अब उपलब्ध है। नमस्कार।
Thank you.